वेरी गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, और पेरेंट्स को भी हमारी तरफ से सलाम दुआ है। तो आज हम टीचर वही, आप शायद मुझे पहचानते हो, आई एम अब्दुल रशीद फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट बारामूला। तो हम मैथ का टॉपिक जो है लेकर आए हैं आज, बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो 8th क्लास में ये टॉपिक है T1 का कंपेयरिंग क्वांटिटीज, जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है। तो इस टर्म से, इस वर्ड से ही हमें पता चलता है कि करना क्या है। दिस इज कंपेयरिंग, एंड व्हाई, व्हाट वी हैव टू कंपेयर, वी हैव टू कंपेयर क्वांटिटीज। कोई भी दो चीजें, तीन चीजें, 10 चीजें, 1000 चीजें हमारे पास है, इसके लिए कंडीशन है। कंपेयर जब आपको हम समझाएंगे तो कंडीशन यह है कि कम से कम एटलीस्ट यू मस्ट हैव टू सेम थिंग्स, सेम काइंड ऑफ थिंग्स, यानी कि दो ऐसी चीजें जो एक ही किस्म के हो सकती है। तो उसमें कौन लंबा कौन चौड़ा, उससे हमारा मतलब नहीं, हुई तो कंपेयर करना हमें। लेकिन आप तब तक कंपेयर नहीं कर पाते हैं जब तक आपके पास कम से कम मिनिमम दो चीजें होनी चाहिए। जैसे मेरे पास एक बोतल है, तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, बच्चे मुझे बताइए क्या ये बड़ी है कि छोटी है। मैं भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इसका आंसर कहेंगे कि सर ये बहुत बड़ी है। मैं भी किसी स्टूडेंट के दिमाग में ये आइडिया हो कि नहीं सर ये बड़ी नहीं है, ये छोटी है, तो इसलिए कंफ्यूजन हो गया। अब हम किस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि बड़ी है कि छोटी है, हम तब तक किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचेंगे। ना हम इसको बड़ी तब तक कह सकते हैं, ना छोटी, जब तक ना हमारे पास इसको कंपेयर कर सकते हैं दूसरी चीज के साथ। मेरे पास और एक बोतल है, जब मैं कंपेयर करूंगा, इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयर मीनिंग मैं देखता हूं कि कौन सी लंबी और कौन सी छोटी है, ये दो बोतलें मेरे पास है, तो ऑब्वियसली अब आपका आंसर होगा कि सर ये बड़ी है और ये छोटी है। तो कैसे बड़ी और छोटी का कैसे पता चलता है आपको? एक्चुअली व्हाट यू आर डूइंग, यू आर कंपेयरिंग देयर हाइट्स। बड़ी है और छोटी है का मतलब है कि ये जो है इसकी हाइट, जो ये वाली बोतल है इसकी हाइट जो है इसके मुकाबले में, इन कंपेयरिंग ऑफ विद दिस बोतल, इसके कंपैरिजन में इसकी हाइट ज्यादा है और इसकी हाइट छोटी है। इसलिए यहीं से पता चला कि भाई छोटी बड़ी तब तक नहीं कह सकते हम, भारी या हल्का तब तक नहीं कह सकते हम, जब तक हम कम से कम लीस्ट दो चीजों को हम क्या कंपेयर करें। तो कंपेयर ये देखिए आप आराम से कि इस चीज को हम, अब हर एक स्टूडेंट का जो भी आप देख रहे हैं तो उसका एकदम आंसर दिमाग में दौड़ेगा अभी कि सर ये वाली बोतल बड़ी है और ये वाली बोतल छोटी है। अब बात यह है कि यह बड़ी होगी और यह छोटी होगी, क्या ऐसा कंडीशन भी हमारे पास है कि ये यहां के मुकाबले में मैंने देखा तो आपने कहा सर यह बड़ी है, तो मैं भी मानता हूं। लेकिन यह चीज है कि यह परमानेंट नहीं है, कि मतलब अगर इससे बड़ी और एक बोतल खड़ा कर दूं मैं तो यह छोटी पड़ेगी। तो यह सब डिपेंड करता है कि भाई आप दो चीजें कैसे कंपेयर करते हो, कौन सी दो चीजें हैं और किस चीज को, यहां पर हाइट काम कर रहे हैं। अगर आप दूसरा चीज, आपने वॉल्यूम देखा होगा, वॉल्यूम मीन्स इसके अंदर कितनी जगह है, अगर इसमें पानी में पूरा पानी भर दूं और इसमें भी पानी पूरा भर दूं तो मुझे पता ज्यादा पानी किस में आएगा, तो ऑब्वियसली आपका आंसर होगा सर इसमें आएगा, क्योंकि बड़ी है काफी जगह है इसके अंदर, छोटी है तो जगह भी छोटी है, इसमें कम पानी आ जाएगा और इसमें ज्यादा पानी आएगा। आप घर में भी कर सकते हैं, एक छोटी सी बोतल इसके फुल भरो और इसमें डालते रहो, आप देखोगे जब आपने फुल बोतल इसमें पावर आउट किया तो इसमें डाल दिया तो मुश्किल से मुझे लग रहा आधी बोतल से भी कम आ जाएगा। इसका मतलब है कि इसका वॉल्यूम जो है ना वो इसके वॉल्यूम के मुकाबले में बहुत कम है। तो ये होता है कि कंपैरिजन हम कैसे करें। तो कंपैरिजन के लिए फिर भी मैं दोहराता हूं कि बेसिक्स है, थोड़ा सा ध्यान काफी देना है। तो आज हम अलग सी क्लास करते हैं, आपको बड़ा मजा आ जाएगा। कंपेयर के लिए कम से कम जो मैंने बोला मिनिमम दो चीजें होनी चाहिए, ज्यादा भी हो सकता है। अगर मेरे पास 5-6 बोतलें होंगी मैं भी उसमें हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी है, उससे बड़ी है, उससे बड़ी और सबसे बड़ी है। यहां पर मैं खाली दो बोटल्स का कंपेयर कर रहा हूं, तो जहां कंक्लूजन पे हम पहुंच गए सर दिस वन इज शॉर्ट एंड दिस वन इज लॉन्ग। तो क्या किया हमने, हाइट को कंपेयर किया। अब देखिए मेरे पास और एक चीज है, ये दो पेड़ है मेरे पास। अब क्या है कि अगर लंबाई भी देखिए, मीन ऊंचाई, अगर ऊंचाई को देखा जाए तो आप डेफिनेटली श्योरली आप कहेंगे सर ये छोटी है लंबाई में और ये ऊंची है, यानी कि ये लेंथ में ज्यादा है इसके मुकाबले में। इसकी लेंथ और इसकी लेंथ जब हम कंपेरिजन करते हैं तो इसकी ज्यादा और इसकी कम। विड्थ भी हम देखेंगे, ऐसे अगर हम इसको देखेंगे ब्रेडथ, जैसे आपका रेक्टेंगल आपके पास रूम एक है, रेक्टेंगुलर वॉल्स हैं आपके पास और ये भी एक रेक्टेंगुलर शेप है, तो इस शेप को अगर हम देखेंगे बड़ा, अगर ऐसे हम देखेंगे इसका ये विड्थ जो है तो इसका कितना, या लेंथ भी आप इसको कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम है। लेंथ को आप देख लीजिए ये और ये, मुझे लग रहा है कि आप फट से कंक्लूजन पे आ जाएंगे कि सर ये
ज्यादा लंबी है, लेंथ इसकी ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस वन। और आप देख भी सकते हैं कि अगर इसकी लंबाई के ऊपर में डालता हूं फिर भी देखो इसकी लंबाई 2-3 सेंटीमीटर बच जाते हैं। इसका मतलब ये लंबी है और ये छोटी है। तभी हम कर पाएंगे और तभी हम कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, तभी हम किसी का नाम छोटा और बड़ा दे सकते हैं जब आप दो चीजों को एटलीस्ट कम से कम दो चीजों को आप क्या करें कंपेयर कर सकते हैं। इसी तरह ये लंबी थी अभी और ये छोटी। अब मेरे पास और एक डायरी, मेरी अपनी डायरी है, आप देख लीजिए। अब इन दो को कंपेयर कर लो। अब ये पहले वाले केस में फिर लिखा था, पहले वाले केस में आपने एक कंक्लूजन पे पहुंचे सर ये लंबी है और ये जो है छोटी है इसे। अब इसी लंबी वाले को हम और एक डायरी से कंपेयर करते हैं और आप देखते हैं कि अगर इस पे ओवरलैप हो जाए तो बराबर है, लेकिन फिर भी इस चीज का बचता है। अब ये पहले कंडीशन में लंबी थी, अब ये छोटी हो गई। इसका मतलब जो भी हमारे सामने सिचुएशन में अभी की क्लास में जो आपको चीजें दिखाई यहां पर ठीक है कौन सा छोटा और कौन सा बड़ा है, लेकिन ये परमानेंटली नहीं है। हो सकता है कल मैं और एक चीज इस लंबी से भी एक बड़ी सी डायरी लाता हूं उसको कंपेयर करके वो लंबी हो गई और ये छोटी हो जाएगी। तो इनके नाम डिफरेंट है और इनके नाम चेंज होते हैं। और एक चीज मैं बताना चाहता हूं, जैसे मैंने क्या किया शेप्स का हम देखते हैं। शेप्स में आपके पास जब भी आपको शेप बनाते हैं, जैसे क्वाड्रिलेटरल शेप में ले लेता हूं, सर्कल है अलग से और स्क्वायर है हमारे पास, हेक्सागनस है, पेंटागनस है, बहुत सारी ज्योमेट्रिकल शेप्स है। ज्योमेट्रिकल शेप्स में भी हम ले सकते हैं, अगर मेरे पास दो फॉर एग्जाम्पल ये एक रेक्टेंगल है और ये दूसरी रेक्टेंगल है, क्या आप कंपेयर कर सकते हैं ना इसकी लेंथ देखो। हाँ आप कह सकते हैं सर इसकी लेंथ ज्यादा है और इसकी लेंथ कम है। अब यहां तक तो इन दो केस में, ये दो केसेस जो है, इन दो केस में दिस इज लॉन्गर एंड दिस इज शॉर्टर। अब क्या है कि अगर और एक रेक्टेंगल में लाता हूं इतने बड़ा, अब देखो जिसको मैं लॉन्गर लिख रहा हूं अब ये लॉन्गर नहीं रहा, कि अब इन दो को मैं कंपेयर करता हूं टू और थर्ड को, अब इसका नाम शॉर्टर पड़ा और इसका नाम लॉन्गर पड़ा। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितनी क्वांटिटीज को और क्या चीज किस चीज को आप कंपेयर करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो कंपेयर जो कंपेयरिंग क्वांटिटीज, कंपेयरिंग जो है वो आपको समझ आया होगा। दो बोतल का किस्सा था हमारे पास, डायरी जो हमने आपको बताई उनकी लेंथ, और आपको यहां भी समझाया कि कौन सा लंबा कौन सा छोटा, कभी ये लॉन्ग थी और कभी ये छोटी भी पड़ी जब हमने इसको बड़ी चीज के साथ कंपेयर किया। तो ये कम से कम मुझे लगता है कि जो कंपेयरिंग का मसला है, जो कंपेयरिंग का जो वर्ड हमने लिखा है यहां पर, तो ये आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा कि किसी भी दो चीज को कंपेयर करना। तो सबसे अच्छी और इंपॉर्टेंट चीज जो आपने याद रखनी है रेशियोज के लिए, रेशियोज के लिए आपके पास मान लीजिए दो ही चीजें हमारे पास, दो चीजों को कंपेयर करते हैं, अभी ज्यादा उलझते नहीं है, चार और पांच छह चीजों को कंपेयर करें। दो चीजों का कंपेरिजन हो गया तो आप 10 चीजों का कंपेयर खुद कर सकते हैं फिर। तो इसलिए ध्यान देना है थोड़ा सा, ये बेसिक्स है, ये हो गया आपका तो फिर कोई मसला ही नहीं है आपका एक्सरसाइज और आपका ये चैप्टर खत्म होने में। खाली ध्यान दे दो रेशियोज में हम क्या करेंगे, रेशियोज भी कंपेयर ही कर रहे हैं हम। और कंपेयर मैंने पहले बताया कि जो कंडीशन इसमें है भाई क्या क्या होना चाहिए, किस चीज को आप कंपेयर कर सकते हैं। जो मैंने आपको अभी समझा कि बोतल और वो चीज हमने डायरी लिखाई दो अलग चीजें हैं, लेकिन हमने कंपेयर क्या कर रहे हैं, हम इनके वेट कंपेयर कर रहे हैं और वेट का यूनिट इसका भी वही है और उसका भी वही है, यानी कि हम यूनिट्स जो वेट के यूनिट्स है उसको कंपेयर कर रहे हैं। अब नाम अलग है, नाम को हम कंपेयर नहीं करते हैं कि ये बोतल है और वो डायरी आपके पास, इनकी मुख्तलिफ शक्लें हैं, फिगर ये डिफरेंट शक्ल की है और वो डिफरेंट शक्ल की है, लेकिन बात है एक कॉमन चीज हमने उठाई दोनों में से, उसका भी वेट चेक किया, इसका भी वेट चेक किया और फिर देखा कौन सा भारी और कौन सा हल्का है। तो रेशियोज में क्या करते हैं बेटा, और कंपेयर और रेशियोज, कंपेयर से ही हमें रेशियो बनते हैं, हमें कंपेयर करना है। ये एक ऐसा मेथड है जहां से हमें पता चलता है कि कौन सी चीज और क्या चीज, कौन सा यूनिट हमने कंपेयर इन दोनों में किया और फिर रेशियो बना। तो यहां पर डेफिनेटली एक चीज जो है सेम काइंड की होनी चाहिए और सेम यूनिट का होना चाहिए, सेम यूनिट, सेम यूनिट जानते हो आप, जैसे मैंने अभी वेट का किया, जैसे मैंने सेम यूनिट मीन इसका और इसका आपको बताया किस्सा कहानी इसकी कि भाई इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई कंपेयर कर, बोटल को नहीं कर रहे हैं एक्चुअली, हम किसको कर रहे हैं, हम हाइट को कंपेयर करते हैं। तो इसलिए वहां भी हम एक रेशियो बना पाएंगे। तो रेशियोज के लिए हम देखते हैं क्या होगा, रेशियोज के लिए हम चीजों को कंपेयर करें, ये दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकती है, तो उनको कैसे कंपेयर किया जाता है, रेशियो कैसे बनता है। आप देखिए बच्चे, फॉर एग्जाम्पल आप कंपेयर आप ऐसे भी कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 5 रुपया है और आपके पास 7 रुपीज है,
ये पैसों का मसला हम देखेंगे। अब कंपेयर करना है, कंपेयर मीन जो पहली बात आपके दिमाग में दौड़ी होगी इसका आंसर वो ये होगा, सर 7 रुपीज ज्यादा और 5 रुपया कम है, ठीक है कंपेरिजन है। ज्यादा और कम का मतलब आप इसका वैल्यू कंपेयर करते हो, 7 रुपए का वैल्यू ज्यादा होता है एज कंपेयर टू 5। अब इसको कंपेयर करने में और भी मसले हैं, जैसे कितना ज्यादा तो आप कर सकते हैं सर 7 - 5 - 2, इसके पास 2 रुपया ज्यादा है तो इसके पास 2 रुपया कम है, तो ये भी कंपेरिजन है किसके पास ज्यादा पैसा और किसके पास कम पैसा है। आप यहां पे वैल्यूज को कंपेयर करते हो, डिजिटस ये जो आपके पास है इंटीजर्स है 5 और 7 इसको कंपेयर कर रहे हैं। तो पैसे की शक्ल इसलिए देता हूं ताकि आपके दिमाग में फट से बैठे कि भाई उसके पास 2 ज्यादा है इसके पास 2 कम है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 5 आपके पास 10, यहां और एक सेंस डेवलप होती है। एक सेंस तो यह है इसमें 2-3 आप कंपेयर कर सकते हो सिचुएशन। एक कंपेयर यह है कि जो आपका पहला ही दिमाग में आंसर आया होगा कि सर 10 is more than 5, इसका मतलब बड़ा और छोटा वैल्यूज में। तो बड़ा और छोटा जब कहते हैं तो आप कंपेयर 2 चीजों को करते हैं। जब मैं आपको कहूं एक ही चीज मेरे पास है, मेरे पास मान लीजिए 200 रुपया है, क्या आप मुझे कैसे ही देंगे सर आपके पास ज्यादा पैसा है या कम पैसा है, 500 रुपीज का नोट मैं आपको दिखा रहा हूं। नहीं, जब तक ना आप अपने जेब से पैसा निकालोगे और कहोगे कि सर मेरे पास कितना और आपके पास कितना, फिर वैल्यू को हम देखते हैं। सर आपके पास 500 रुपए निकले, मेरे पास 200 रुपए निकले, इसका मतलब इसका कंपेरिजन कर रहे हैं, वैल्यूज का कंपेरिजन। तो मेरे पास अब आप कह सकते हैं सर आपके पास ज्यादा पैसा और मेरे पास कम पैसा है। इसी तरह यहां भी आप अब दूसरा सिचुएशन इसको फिर कंपेयर कैसे करते हैं, कंपेयर यह है अगर हम देखें तो बेटा आप ये भी कह सकते हैं अगर ये 5 है तो ये 10 है। मान लीजिए ये बंदा ए हमारे पास है और ये बी है, ए और बी का हम पैसा कंपेयर वैल्यू कंपेयर करते हैं, इसके पास 5 रुपया इसके पास 10 रुपया, क्या आप नहीं कह सकते हैं जो बी है सर उसको दुगना पैसा है, 2x as a है। तो मुझे बताइए इसके 10 इसके 5, इसका मतलब इसका डबल है ना, डबल 2x - डबल, इसके पास डबल है तो इसके पास कितना। अगर मैं आप उल्टा क्वेश्चन आपके पास जाता हूं ए पर जाता हूं, बी ने कहा मेरे पास ए से दुगना है डबल है, अब ए की बारी है तो ए क्या कहेगा, ए श्योरली कहेगा कि मेरे पास बी से हाफ है कम है, यही तो रेशियो है यही तो कंपैरिजन है। देखते हैं हम कैसे आप रेशियो बनाते हैं। तो रेशियो यही है कि जो हमने अभी तक देखा कि हमने 2 क्वांटिटीज को या 2 से ज्यादा क्वांटिटीज को जब कंपेयर करते हैं तो रेशियो बनता है। यहां आपने देखा यहां पे जैसे मैंने 5 और 10 रुपए की बात में कही, एक कंपेरिजन यह भी है कि सब्ट्रैक्ट करते हो आप, सब्ट्रैक्शन मीन्स 10 - 5 - 5, आप कह सकते हैं कि इनकी डिफरेंस जो है वैल्यू की डिफरेंस है दैट इज रुपीज 5, दिस आल्सो अ कंपैरिजन, ये भी तो कंपेयर है। लेकिन कंपेयर के साथ हमने रेशियोज पे जाना है, तो रेशियो सब्ट्रैक्शन में नहीं होता है बल्कि रेशियोज क्या होता है, व्हेन वी पुट दीज इंटीजर्स इनटू डिवीजन फॉर्म। फॉर एग्जांपल ये ए का ये ए था आपके पास और ये बड़ा आपके पास बी है, अब रेशियो बनाते हैं, रेशियो मीन इज कंपेरिजन, जैसे आपको सब्ट्रैक्शन में समझा हमने कि 10 - 5 = 5, नहीं अब रेशियो है, रेशियो का ये है, रेशियो का मतलब है कि इसको डिवीजन फॉर्म में लिख दो आप, रेशियो इन डिवीजन फॉर्म। तो डिवीजन फॉर्म कैसे करते हैं, अगर मैंने लिखा ए बाई बी, डिवीजन ही तो है, जैसे आप 2/5 करते हैं डिवीजन है भाई, जैसे आप 7/3 करते हो डिवीजन है, यहां पर डिवीजन फॉर्म है, ये डिवीजन फॉर्म को हम रेशियो बनाते हैं, ये तो रेशियो हो गया। अब कैसे करते हैं वो आपको थोड़ा समझना है। मेरे पास ए रेशियो बी या ए डिवाइड बाई बी, अभी हम पढ़ेंगे इसको, ए के पास कितना है, हम क्या करते हैं रेशियो ऑफ ए इज टू बी विद रेस्पेक्ट टू बी, ए कहानी है ए का एक एक एक्टिव रोल है, ए कह रहा है कि देखता हूं मैं ए और बी के साथ कैसी रिलेशनशिप है रेशियोज के बारे में। ए के पास बेटा कितना आपके पास 5 रुपया था और डिवाइडेड बाई इसके पास 10 रुपीज है, तो रेशियो में क्या चीज है, एक फ्रैक्शन भी तो कहलाता है ना, आप 5/10 भी एक फ्रैक्शन, कोई परेशानी नहीं। लेकिन फ्रैक्शन को एसाइड रखने में हम रेशियोज की बात करते हैं। रेशियोज में क्या होता है कि जो भी आपके पास कोई भी इस फॉर्म में आता है उसको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में डाल दो, फ्रैक्शन इसको रख सकते हैं रखो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब हम रेशियो की बात है तो हमारे पास एक नई चीज आ जाती है, नई चीज क्या आई, तो इसको अगर हम कैंसिलेशन करेंगे एचसीएफ या जीसीडी जिसको जो आप कहते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कॉमन ले लेते हैं उसको, जैसे आप साधारण सा आप करते हो कि इसमें कैंसिलेशन, जैसे 5 का टेबल पड़ा 5 1 5 2 दिस इज 1/2,
अब बड़ा मसला यह है, हमने चीजों को समझना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको अभी पैसा दिखाया तो आप समझ गए सर 500 रुपए का नोट है, ठीक है, कहानी खत्म इसकी, क्योंकि आप समझ गए। मसला यह है कि ये इसका मतलब क्या है। ये 1/2 जो है ए और बी का जो रेशियो किया 1/2 है, अब इसका मतलब क्या और ये रेशियो क्यों जरूरी है, हम देखते हैं। उसके लिए हम थोड़ा सा करते हैं यहां पर। देखिए बच्चे, 1/2 को अगर हम फ्रैक्शन में देखें, इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन, ये देखो बेटा फ्रैक्शन में और ये रेशियो में, आप बस इस चीज को समझो, ये डिफरेंस एक दिखाएगा आपको, दोनों चीजें हल हो गई आपकी। फ्रैक्शन अलग चीज है सर, ये अलग चीज है, और इनमें माने भी अलग चीज है। मेरे पास 1/2 है, जो मेरे पास अभी आया 1/2। अब 1/2 को देखें, क्या फ्रैक्शन का मसला भी वही है, क्या इसकी मीनिंग फ्रैक्शन के कॉन्टेक्स्ट में भी यही है, क्या इसका मीनिंग रेशियोज में वही है, हम वो देखते हैं। अगर फ्रैक्शन देखें तो बेटा फ्रैक्शन में आप क्या करते हैं, 1/2 मेरे पास है फ्रैक्शन में, इन केस ऑफ ए फ्रैक्शन। तो 1/2 का मतलब है, आपने प्रीवियस क्लासेस में फिफ्थ क्लास से ही आपके पास फ्रैक्शन है, सिंपल सा मैंने बताया, मैंने वो बड़ा अभी डाला नहीं कि फ्रैक्शन बड़ी है कि भी, समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। मीन्स 1/2 सिंपल सा है बेटा, अगर आपके पास दो हिस्से हैं, एक का शेड किया हुआ है, इसका मतलब क्या है, दो इक्वल है, दो इक्वल बराबर दो हिस्से हैं, दो में से एक आपने पकड़ा है, तो ये कहता है कि दो हिस्से तो थे आपके बराबर, उसमें से आप एक हिस्सा सिलेक्ट कर दो। फ्रैक्शन में 1/2 का मतलब यह है कि पूरे होल का, इसको तो पूरा होल ही कहते हैं ना, जो फिफ्थ क्लास में आपने पढ़ा है, दिस इज होल। दो पार्ट बने, उसमें से एक पार्ट आप ड्रैग करते हो, एक पार्ट आउट करते हो। तो मुझे बताए 1/2 1/2 मतलब आधा ये आधा ये। तो जब आप 1/2 फ्रैक्शन लेते हो, इसका मतलब है जो आपके पास होल एक था उसमें ये रिप्रेजेंट करता है आधे को, हाफ हाफ। ये फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में अगर इसका माने देखा जाए तो ये डायरेक्ट हमें पता चलता है दिस इज हाफ ऑफ सम होल। होल कुछ भी हो सकता है, आप रोटी घर में सुबह लेते हो तो बड़ा हाफ कर लो, मीन्स हाफ ऑफ। आपके पास चॉकलेट्स आएंगे, दो भाई या दो बहनें आप बैठी हुई हैं, तो हाफ ऑफ कर लो बेटा, इसका मतलब हाफ ऑफ कर रहे हो आप। अब जब हम रेशियोज के उसमें हम इसको डालेंगे, सांचे में डालेंगे, देखते हैं कि इसका मतलब चेंज होता है। अब रेशियोज में 1/2 का मतलब क्या है, यही 1/2 लिखने में सेम, लेकिन खाली इनको देखने में जरा अलग अलग माने इनका। फ्रैक्शन में समझा 1/2 मीन सिंपली हाफ, 10 रुपए हैं, 10 का हाफ 5 रुपए। आपके पास 20 चीजें हैं, 20 का हाफ कर लो 10 चीजें, मीन्स हाफ। रेशियो में जो हम देखेंगे वही 1/2 मैंने लिखा, तो 1/2 अब हाफ नहीं है बेटा, बल्कि 1/2 अलग एक कहानी है। वो क्या है, मान लीजिए आपके पास एक चॉकलेट है, और जो आप खाने वाले हैं, मतलब दो भाई दो बहन है, मान लीजिए आप और आपकी सिस्टर इसको खाना चाहती है, दो चीज दो में बांटना है, बांटने का यार नहीं, यहां माने है ही बदल, ये दूसरा जो बदलता है ना माने, इसका और इसका फ्रैक्शन से लेकर जब इधर आएंगे रेशियो में तो मीनिंग बदल जाती है। यहां पे हाफ खत्म, और यहां पे कहानी जो है, यहां पे इस ये भी हो सकता है भाई, आपके पास एक चॉकलेट है और आपके पास दो खाने वाले हैं, तो यहां पे अलग वन और वन का मानी अलग है और टू का मानी अलग है, और यहां पे अलग है। अब हम जब इसको इस फॉर्म में डालते हैं 1/2 के फॉर्म में, दैट इज सिंपली 1/2, और यू कैन राइट 1:2। ये रेशियो का असली शक्ल है कि हम इसको कैसे कंपेयर करते हैं। तो एक हिस्से को हम दो हिस्सों के साथ कंपेयर करते हैं, एक चॉकलेट और दो बच्चे खाने वाले। यहां पर दूसरी चीज है, अगर आपके पास एक रोटी, इसका मतलब आधा आप खाओ, यहां पे वो चीज नहीं, यहां पे दो अलग चीजें हैं, यहां पे एक रोटी और दो खाने वाले, वो अलग चीज है। इसलिए दोनों चीजों में जब आप रेशियो में आप इसको देखते हो, आप फ्रैक्शन के कॉन्टेक्स में इसको देखते हैं, तो बिल्कुल ही अलग और थलग है। आगे देखते हैं रेशियो का थोड़ा सा रिहर्सल करें और देखते हैं, पूरा दिमाग में उतारते हैं कि रेशियो एक्चुअली है क्या। ये देखो बच्चे, हमने कंपेयर भी किए और कंपेयर के बाद ये सारा चीज जो है आपके पास आ गया। कंपेयर में क्या करें, अभी मुझे बताइए, ये 5 बॉयज हैं आपकी क्लास में और 3 गर्ल्स हैं। हमें कह रहा है सर कि इसको जरा कंपेयर करके बताओ, कंपेयर देखो बच्चे, इसका रेशियो बनाना है, दो चीजों को कंपेयर किया। हालांकि मैंने आपको बताया कि सेम काइंड, सेम चीजें हो और सेम यूनिट्स हो। यहां पर आप कहेंगे सर एक तो बॉयज है एक गर्ल्स है, तो बिल्कुल अपोजिट अपोजिट, आप कहां कर रहे हैं।
लेकिन अगर सही से देखा जाए तो बेटा 22 का नंबर एक्चुअली है, नंबर को हम गर्ल्स के नंबर से रेशियो बनाते हैं, तो नंबर और नंबर, डिजिट और डिजिट, ये तो सेम चीज है, लिखना है तो 22 ही, लेकिन 22 को रिप्रेजेंट कर रहा ना ये नंबर, और गर्ल्स का रिप्रेजेंटेशन 3 है यहां पे। हम क्या डिजिट या आपके इंटीजर को इंटीजर के साथ कंपेयर करने, ठीक है सेम काइंड है, सेम क्वालिटी है सब। देखें रेशियो मतलब, अगर आप करते बेटा बॉयज इज टू गर्ल्स, ऐसे भाई बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या है, सिंपल अभी लिखने का तरीका आपको समझाता हूं और पढ़ने का तरीका इसका समझाता हूं, बाद में क्वेश्चंस आ जाएंगे, बहुत इजी है, लेकिन जब आपके दिमाग में पूरा ये बेसिक्स बैठेगा। हम करते हैं बॉयज इज टू गर्ल्स, मीन्स बॉयज का नंबर कितना है 5 इज टू, आप ऐसे करते हो, ये है सिंबल फॉर इज टू, मीन्स सिंपल है डिविजन, जैसे मैंने पहले बताया 1/2, उसको 1:2 भी कर सकते हैं, वो रेशियो है 5:3। सबसे पहली नजर हमारे पास ये होनी चाहिए, जब हमारे पास कोई भी रेशियो है इसका ये देखना चाहिए कहीं अगर आपके पास कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसको कैंसिल कर दो, कैंसिलेशन आप कर दो। अगर मेरे पास 5/10 होता मैं फट से करता 5 1 5 2 1/2, लेकिन यहां में जब मैंने देखा 5 और 3 जो है ना बड़ा, इसमें 1 के बगैर कोई भी कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है जिसको मैं कैंसिल कराता। 5 एक अलग चीज है, 3 एक अलग चीज है, जिसमें कॉमन एक्सेप्ट 1 के बगैर कुछ कॉमन नहीं, इसलिए ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है इसका, इसको हम फर्दर नहीं कर सकते। अब मतलब क्या है इसका, मतलब इसका है कि अगर आपके पास, मान लीजिए आपके पास 10 बच्चे हैं टोटल, और 10 बच्चों में 10 स्टूडेंट्स आपके पास, इसको ध्यान दे दो, थोड़ा सा ध्यान दे दो, ये थोड़ी सी कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत समझनी, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फ्रैक्शन और रेशियो का मसला। अब यहां मसला क्या है, अगर आपको कोई कह रहा है कि आपकी क्लास में सर 10 बच्चे हैं और रेशियो उनका है कि 5:3, 5:3 मीन्स 5/3, या हम ऐसा भी कर सकते हैं, चलो सिंपल सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जो आपको समझ आ जाएगी। मान लीजिए यहां पे 2:3 है, या 12:1 या 2:1 है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसका रेशियो बना 2:1 2/1, या जब से आपके 2:7 होगा तो 2:7। इसका मतलब ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट दिखा रहा है, ये पार्ट है कह रहा है कि जितने भी आपके पास टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट इन क्लास दैट इज 10, इस 10 का ये 2/7 पार्ट है। और अगर मेरे पास गर्ल्स इज टू बॉयज कर ले, खाली अभी देखना, अभी मैं आगे नहीं जा रहा हूं, खाली आपको समझाता हूं कि एक्चुअली रेशियो क्या, फिर क्या क्या कर सकते हैं उसको आगे देखेंगे आप, खाली रेशियो को पकड़ो अभी। गर्ल्स टू बॉयज, पहले बच्चे हमारे पास क्वेश्चन था बॉयज टू गर्ल्स, तो ये बना। आप क्या कहेंगे हम गर्ल्स टू बॉयज, तो पहले आप गर्ल्स की बात है तो गर्ल्स का वाला मसला लिया, गर्ल्स कितने हमारे पास, ये 2:7 का अलग, और यहां पे देखते हैं, चले इस क्वेश्चन में ले लेते हैं, हमारे पास पहले ही था गर्ल्स टू बॉयज, गर्ल्स मीन गर्ल्स के 3:2 बॉयज, बॉयज मीन 5, ये अगर आप देखा जाए तो इस शक्ल में भी आप लिख सकते हैं दिस इज 3/5। क्या यही रेशियो रहेगा अगर हम बॉयज इज टू गर्ल्स करेंगे, बॉयज टू गर्ल्स, अब पहले तो गर्ल्स की बात थी, फिर हम गर्ल्स को बॉयज के साथ कंपेयर कर रहे हैं, इसका मतलब जो है सेकेंड पार्ट में आप, मैंने उल्टा लिख दिया बॉयज टू गर्ल्स, अब लड़कों को आप कंपेयर करते हो विद द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो क्या होगा, बॉयज को देख लो, बॉयज कितने आपके पास 5, और गर्ल्स को देखो आपके पास 3 है, तो यहां 3:5 यहां 5:3, क्या ये सेम चीज है, क्या हम कभी ऐसा कर सकते हैं, हम लिखेंगे भाई क्या आपके पास 3:5 जो वो बराबर है 5:3 के, क्या ऐसा होगा कभी, बिल्कुल नहीं होगा बच्चे, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, अलग अलग रेशियोज है, हम आपको समझा देंगे ये ऐसा क्यों नहीं है। थोड़ा सा देखो आप, हमारे पास बॉयज और गर्ल्स का मसला ये 3:5 5:3, हम क्या इस चीज को बराबर लिख सकते हैं, जैसे आपने क्लास 5 सही किया, जैसे आप करते हैं सर 2+3 तो 3+2 हमने देखा था सेम है, हमने सर और एक चीज भी देखी थी 2:3 = 3:2, 2+3 5 2+3 5 बराबर है, कोई परेशानी नहीं है हमारे पास, 2 3 6 2 3 कोई परेशानी नहीं है, क्या यहां भी हम कर सकते हैं 3:5 = 5:3, बिल्कुल नहीं करेंगे बच्चा, ये अलग चीज है और ये अलग चीज है,
ये बॉयज को हम गर्ल्स के साथ, यहां गर्ल्स टू बॉयज, इसका मतलब है कि आप अगर पांच चीजें हैं उसमें दो अलग चीजें हैं, मान लीजिए पांच पेनल्स हैं और दो पेंसिल्स हैं, रेशियो बनता है 5/2। अब अगर उल्टा करेंगे पेंसिल और इसके अब तो बनेगा 2/5। 2/5 का मतलब है कि पांच पेनल्स में दो पेंसिल्स है और तीन क्या है फिर पेन हो गए। और पहले वाली सिचुएशन में हम पेंसिल ज्यादा और वो कम, दूसरी सिचुएशन में ये चीज अलग दिखाता है उस चीज को। हम आगे करते हैं कि अभी आप इस चीज में नहीं, इस चीज को नहीं डिस्कस करते हैं, चलो पहले देखते हैं ये चीज, क्योंकि वो हमारे क्वेश्चन में आ जाएंगे। हम क्वेश्चन इसको स्ट्रांग कर लो, हमारे पास अभी रेशियो बनाने के क्या तरीके हैं। नंबर वन, आपने देखा होगा बड़ा आपके स्क्रीन में आता होगा कि ये देखो सर ने कई शक्लें बनाई ज्योमेट्रिकल फिगर से, पता नहीं क्यों बनाई, हम कंपेयर कर रहे हैं और ये शक्लें बना रहा है, फिगर्स बना रहा है। नहीं बेटा देखो, इसमें भी हम देख सकते हैं कि रेशियोज क्या, एक्चुअली रेशियोज क्या चीज है। रेशियो हमारे पास है, आप देखते हैं कितनी किस्म की चीजें हमारे पास, कितनी किस्म की फिगर ज्योमेट्रिकल फिगर हमें मिल रही है। मुझे लग रहा है ये ट्रायंगल है, ठीक है, एक किस्म का हो गया ये ट्रायंगल, और ये आपके पास रेक्टेंगल भी अलग चीज है, ये फिर ट्रायंगल आई छोड़ दो, ये स्क्वायर है, और ये बेटा आपके पास सर्कल है, फिर सर्कल, फिर रेक्टेंगल, फिर ट्रायंगल। तो कम से कम कितने चीज, कितने अलग अलग चीजें हैं। ट्रायंगल एक किस्म का हो गया, आपके पास रेक्टेंगल है दो हो गए, आपके पास स्क्वायर है तीन हो गए, आपके पास सर्कल है चार हो गए। अब चार चीजों को हम कंपेयर करते हैं। अब यहां फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन राइज हुआ आया होगा कि ये चीज कि सर ट्रायंगल तो अलग एक चीज है, स्क्वायर अलग चीज है, और ये सर सर्कल अलग चीज है, आप क्या कंपेयर कर रहे हो। देखो बेटा यहां भी वही बात है, मैं सर्कल और ट्रायंगल को कंपेयर नहीं करूंगा, मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन जिसको रेशियो हम आगे बनाएंगे। मुझे बताइए रेशियो ऑफ ट्रायंगल्स टू रेक्टेंगल, चलो करते हैं रेक्टेंगल। एक्चुअली ये क्या है कि हम कहेंगे रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ट्रायंगल, हम नंबर को कर रहे हैं किनके साथ, नंबर ऑफ रेक्टेंगल के साथ। नंबर मीन्स आप पहले काउंट कर लो हमारे पास कितने ट्रायंगल्स हैं और हाउ मेनी आर रेक्टेंगल्स दियर, उनके नंबर को एक्चुअली आप रेशियो करते हो। आप फिगर्स को की शक्लों को आप कंपेयर नहीं करते हो, हम करते हैं कंपेयर भाई नंबर्स को कितने हैं। जब आपने कहा रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताओ सर, तो हम देखेंगे ट्रायंगल्स हमारे पास कितने, जरा ट्रायंगल्स को देखते हैं बड़ा, एक वन और ये टू और कहीं मिलती है, हाँ थ्री है। तो पहला जो नाम है वो ट्रायंगल्स का है, तो हम लिखेंगे थ्री इज टू, रेशियो का जो साइन आपके पास है। और दूसरा हमारे पास क्या है, किसका हम कह रहे हैं, रेक्टेंगल्स का कह रहे हैं। जरा रेक्टेंगल देखो बड़ा कहां पे, रेक्टेंगल आपके पास वन और टू आपके पास, दिस इज थ्री इज टू टू। अगर कोई कहता आपको सर नंबर ऑफ सर्कल्स टू नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताओ सर, क्या आंसर वही रहेगा, नहीं। आप देखते हैं नंबर ऑफ सर्कल, सर्कल कितने हमारे पास है, वन और वन टू, टू सर्कल इज टू, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपके पास कितने, वन टू और थ्री। देखो बेटा यहां अलग, ये अलग चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अलग चीज रिप्रेजेंट कर रहा है।